अक्सर इंग्लिश में बात करते समय कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोनंसिएशन हम बिल्कुल गलत करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम बेसिक वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड को आज तक समझे ही नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की। जैसा कि आप सभी को पता है कि ए ई आई ओ यू हमारे टोटल वोवल्स होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इन वोवल से निकलने वाली साउंड 20 प्रकार की होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं 20 साउंड्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप सभी को पता है ए ई आई ओ यू हमारे वोवल्स होते हैं, और जब भी हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं तो इन्हीं वोवल की साउंड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आइए समझते हैं इन्हीं वोवल साउंड के बारे में। फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन हियर ट्री। ट्री में आप देख सकते हैं ई यहाँ पे जो है एक वोवल है और जिसका साउंड है ई। ट्री साउंड इज ई। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियर बेड, जिसमें ई जो है एक वोवल है लेकिन जो ई का साउंड है दैट इज ए। बेड अ साउंड इज कमिंग। द नेक्स्ट वन इज हियर इज सिटी। सिटी में आप देख सकते हैं जो वोवल है दैट इज आई, बट जो यहाँ पे साउंड बनी है वो बनी है ई। सिटी ई साउंड इज कमिंग फॉर वोवल आई। नेक्स्ट हियर इज कार। अब कार में आप देखेंगे वोवल ए का यूज हुआ है, लेकिन अगर हम इसकी साउंड की बात करें तो कार आ साउंड इज कमिंग फॉर वोवल ए। नेक्स्ट इज कॉट। कॉट में आप देख सकते हैं जो वोवल है दैट इज ओ एंड द साउंड इज ओ, कॉट। नेक्स्ट इज कैट। नाउ अगेन द वोवल यूज हियर इज ए, लेकिन आप देख सकते हैं सी ए आर और सी ए टी कैट के दोनों जो वोवल है सेम है, लेकिन जो इनका साउंड है बिल्कुल डिफरेंट है। यस, सी ए टी कैट में हम लोग ए का जो वोवल का साउंड है उसको एट लेते हैं, कैट ए साउंड इज कमिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कार आ साउंड इज कमिंग फॉर द सेम वोवल। तो आप समझ गए कि एक ही वोवल के लिए डिफरेंट डिफरेंट साउंड हो सकती है। तो समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ एल ए डब्ल्यू लॉ। लॉ के लिए आप देख सकते हैं ए के लिए यहाँ पे जो साउंड आ रही है औ साउंड इज कमिंग, लॉ औ साउंड इज कमिंग। द नेक्स्ट वन इज फूड। फूड में आप देख सकते हैं वोवल ओ का यूज हो रहा है और जो यहाँ पे हमारा साउंड है दैट इज ओ, फूड फूड ओ साउंड इज कमिंग। द नेक्स्ट वन इज हियर बुक। अगेन यहाँ पे भी हमने वोवल ओ का ही यूज करा है, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे साउंड आ रहा है ओ बुक। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जो हमारा बड़ा ऊ है और छोटा ऊ है दोनों की जो हमारी साउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, जैसे कि हम इन दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं फूड एंड बुक। तो दोनों का साउंड बिल्कुल डिफरेंट है सेम ही वोवल के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं अर्थ। अर्थ में आप देख सकते हैं ई इज अ वोवल हियर, द ई का जो यहाँ पे साउंड आ रहा है दैट इज अ साउंड। सी यू पी कप में आप देखेंगे जो वोवल है यू है, लेकिन जो उसका साउंड बिल्कुल ही अलग है दैट इज अ कप। अगर मैं बोलती हूँ कप अ, कप अ साउंड इज कमिंग बिटवीन, तो वो जो अ है वो हमारा साउंड है वोवल यू के लिए। डी वाई डे। डे में हमारा यहाँ पे ए जो है एक वोवल है जिसका साउंड आ रहा है ए, और अगर मैं बात करूं अगो में भी एक वोवल है दैट इज ए, और अगो के लिए जो साउंड है ए का दैट इज अ। तो आप समझ सकते हैं एक ही वोवल के लिए डिफरेंट डिफरेंट साउंड हमारे आ सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइम। टी आई एम टाइम, आ ई साउंड इज कमिंग फॉर आई। नेक्स्ट इज ओट। ओ वोवल इज हियर एंड द साउंड इज ओ। नेक्स्ट इज टाउन। टाउन में जो हमारा ओ का साउंड है दैट इज आ ओ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे भी ओ था और यहाँ पे भी ओ है, दोनों वोवल्स है लेकिन दोनों की साउंड में बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पे ओ साउंड हमने बोला ओल्ड में, लेकिन टाउन में हमारा आ ओ साउंड, टाउन साउंड इज कमिंग। द नेक्स्ट वन इज डियर। यहाँ पे जो हमारा ई है ये एक वोवल है जिसका साउंड आ रहा है ईओ, डियर ईओ साउंड इज ई ओ। नेक्स्ट इज पुअर। यहाँ पे अगेन हमारा डबल ओ वोवल आ रहा है जिसका साउंड आ रहा है उ अ। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ दैट इज केयर, तो केयर में आप देख सकते हैं ए अ साउंड इज कमिंग। यहाँ पे जो हमारा वोवल ए है इसके लिए ए अ
sound is coming. The last one is here, that is boy. O's vowel is there and the sound is a-e. आप देख सकते हैं अभी तक हमने काफी टाइम काफी वर्ड्स में हमने देखा कि ओ वॉवल है लेकिन यहाँ पे जो ओ का साउंड है बिल्कुल डिफरेंट है दैट इज आई बॉय. ओके सो ये एग्जांपल्स से आप समझ सकते हैं कि एक ही वॉवल के डिफरेंट साउंड्स होते हैं और अलग अलग वर्ड्स में उसका प्रोनंसिएशन बिल्कुल अलग हो जाता है या फिर उसका साउंड अलग हो जाता है. तो आज हमने बात करी है इन्हीं 20 वॉवल के बारे में. इसके अलावा आपको कोई भी वॉवल साउंड नहीं दिखाई देगी या फिर नहीं सुनाई देगी. ये तो एग्जाम्पल है हमारे वॉवल्स के. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.